सो गाइस, आज की वीडियो के ऊपर हमारी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम फेसबुक पर मार्केट प्लेस पर जो व्यूज है वो किस तरह से अनलिमिटेड लेकर आ सकते हैं, किस तरह से उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैंने कुछ अपनी फेसबुक पर प्रोडक्ट को जो है वो पब्लिश किया, और पब्लिश करने के दौरान दोस्तों मुझे काफी व्यूज देखने को मिले, जिससे दोस्तों मुझे ऑर्डर भी बहुत सारे देखने को मिले। और यकीनन जब आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, चीज के ऊपर जो भी आपने पब्लिश की है, जो भी एड की है, अगर आपको व्यूज देखने को मिलेंगे तो तभी आपको ऑर्डर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आपको लोग क्या कहते होंगे कि भाई आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, हमें जो है वो लीगल तरीका जिसमें दोस्तों हमें लोग जो है वो ऑर्डर भी कर पाए, लेकिन वो व्यूज नहीं हमें चाहिए, जो लोग जो है वो सिर्फ व्यूज ही आपको शो किया जाए लेकिन वहां पर ऑर्डर आपको कोई भी ना देखने को मिले। तो मैं आपको बताऊंगा लीगल तरीका, असल तरीका, जिससे दोस्तों प्रोडक्ट पर व्यूज भी आएंगे, ऑर्डर भी आएंगे, जिससे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्ट को इजीली सेल भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसान है, जिसमें दोस्तों आप लोग इजीली अपने प्रोडक्ट को जो वो ज्यादा व्यूज, ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये सब कुछ कैसे करना है, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि हमें इसको किस तरह से करना है। दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि भाई मार्केट प्लेस के ऊपर दोस्तों आप किस तरह से अनलिमिटेड जो है वो आप जो है वो क्लिक करवा सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको कितने ज्यादा व्यूज भी देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों व्यूज को किस तरह से गेन किया जाता है, किस तरह से इंक्रीज किया जाता है, देखो अगर आपके मार्केट प्लेस के ऊपर जो आपने ऑर्डर लगाया है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने लगाई है, उस पर अगर व्यूज आएंगे तो आपको ऑर्डर भी जरूर आएगा। अब इसके लिए दोस्तों हमें जस्ट करना क्या होता है, मैंने जो है वो कुछ प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीजें जो मैंने उसके ऊपर पब्लिश की, और पब्लिश करने के बाद मैंने कुछ नोटिस किया, और मैंने आपको जो चीजें बतानी है उसको फॉलो करना, कुछ अलग से हम कोई ट्रिक नहीं लगाने वाले हैं, और खास तरीका जिससे दोस्तों आप लोग ले सकते हैं। अब सबसे पहले दोस्तों मैं मार्केट प्लेस के ऊपर आता हूं, आने के बाद दोस्तों मैं अपनी प्रोफाइल चेक करवाता हूं, चेक करवाने के बाद दोस्तों मैंने 19 चीजें जो है वो यहां पर लिस्ट की हुई हैं, ठीक है, 19 चीजें मैंने यहां पर लिस्ट की हुई हैं। अभी देख सकते हैं ये जितनी भी मेरी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इनको सबसे ज्यादा जो सेल आया था वो तकरीबन मुझे 7 दिन के अंदर अंदर मुझे तकरीबन 5000 क्लिक व्यूज जो है वो मुझे एक दिन के अंदर, यानी कि 7 दिन के अंदर वो चीज़ शो करता है, लेकिन मुझे जो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उस चीज़ के ऑर्डर आए थे। अब ऑर्डर कैसे आए थे मैं आपको मैसेजेस भी दिखाता हूँ, जो मेरे पास मैसेजेस हैं और अनलिमिटेड मैसेजेस हैं, और ये एक ही प्रोडक्ट के मेरे पास मैसेजेस हैं, ठीक है। अभी आप देख पाओगे यहाँ पर तो आपको कुछ अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर नीचे आते हो तो ये बिल्कुल मेरे पास जो वो जितने भी ऑर्डर्स हैं वो एक प्रोडक्ट पर आए, और यहाँ पर दोस्तों आप देख पाएंगे कि मुझे इतने ज्यादा ऑर्डर्स आए हैं, जिससे दोस्तों आप लोग भी देख पाएंगे। और मैंने ये सब कुछ कैसे ऑर्डर्स किए, अब देख सकते हैं लोग मुझसे पूछ रहे हैं। अब जाहिर सी बात है जब आपसे कोई चीज पूछेंगे, अब एक चीज को मैं जो इस तरीके से आप देख रहे हो, इस तरीके से देख रहे हो ये कितने ज्यादा ऑर्डर्स हैं, और ये समझ रहे हैं कि भाई यहां पर हमें किस तरीके से दोस्तों हमें जो है यहां पर इस चीज को जो हमें करना है। अच्छा, सबसे पहले दोस्तों हम मार्केट प्लेस के ऊपर आते हैं, ठीक है। आने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट को जब आप सेल करते हो, यानी कि सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, एटम पे क्लिक करते हैं, कोई भी चीज़ आपकी है तो उसको सेलेक्ट करें, टाइटल लिखें, टाइटल लिखने के अब मान लो दोस्तों आपके पास कोई एक स्मार्टफोन है, वीवो का है, ठीक है। अब वीवो का यहाँ पर हमें एक स्मार्टफोन देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये हमने एक नाम लिख दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सेल लिख देना, ठीक है। सेल लिखने के बाद आप यहाँ पर एक डॉट दें, ठीक है, ये वाला, उसके बाद आप वीवो फॉर सेल लिखें, कुछ ऐसे कीवर्ड लिखें। अब यहाँ पर मैंने तो लिख दिया Vivo V23 सेल, आगे लिख देना है इस तरीके से Vivo V23 फॉर सेल, ठीक है, Vivo V20 सेल करना है। जिस तरीके से लोग कीवर्ड्स डालते हैं, सर्च करते हैं कि भाई मुझे Vivo V23 लेना है, या उस तरह के आपको यहाँ पर कीवर्ड्स सर्च करने हैं। Vivo V23 प्राइस लिख दें, Vivo V20 यहाँ पर सेल लिख दें, ठीक है, बाय लिख दें, तो इस तरह के कीवर्ड्स को लिखें। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी आप काफी ज्यादा कीवर्ड्स को लगाएं, यानी कि आप ये लिखते यहां पर Vivo V23 सेल करना है, सेल फॉर सेल फ्री, आप ये चीजें जब आप लिखोगे काफी कीवर्ड्स, जिस पे दोस्तों जो बंदा इस चीज को सर्च करेगा उसके बाद आ जाता है मेन आपके टैग्स। जिस कीवर्ड को आप यहां पर टाइप करोगे, यहां पर आप 20 टैग्स लगा सकते हैं। 20 टैग्स कैसे लगा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने लिख दिया Vivo, ठीक है,
यहाँ पर मैं वीवो लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कोमा लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ वीवो वी, ठीक है, अभी देखेंगे कि वीवो वी 23, ठीक है, ये लगा दिया, कोमा लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपने लगाना है वीवो वी 23 फॉर सेल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई फॉर सेल, ठीक है, अब यहाँ पर इस तरीके से सेल, ठीक है। उसके बाद ये फार आपको जो बीच में हमने लिखा है ये अगले में वीवो वी 23 में आपने नहीं लिखना है, ठीक है, अगले कीवर्ड में आपने यहाँ पर वो टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपने सेल लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने शुरू में सेल लिख देना है, इस तरीके से देखिएगा, आपने कीवर्ड बनाने हैं, ठीक है, उस चीज़ के कीवर्ड बनाए जो आप सर्चेबल होते हैं, जिससे दोस्तों आपको हर चीज़ जो है वो लोग जो है वो यहाँ पर सर्च करें और वो आपकी पहले नंबर पर प्रोडक्ट देखने को मिले। जब कोई चीज सर्च होती है अगर आपकी वहां पर पहले नंबर पे शो होती है तो यकीनन आपकी प्रोडक्ट पे व्यूज अनलिमिटेड होंगे। अगर दोस्तों वहां पर आप लोग कीवर्ड नहीं लगाते, टैग्स नहीं लगाते, तब आपकी जो प्रोडक्ट है वो वायरल नहीं होती है। अब मैंने जो प्रोडक्ट लगाई हुई है वो देखेंगे, तो मैं सिर्फ आपको हैरान कराने के लिए ये चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट है वो पहले नंबर पर रैंक है। अब ये जितनी भी प्रोडक्ट आ रही है मैंने सिर्फ गार्लिक लिखा यहाँ पर, और मेरी यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्ट मेरी सारी की सारी शो की जा रही है, और मेरी ही ये सारी प्रोडक्ट हैं जो गार्लिक की हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप टैग्स, डिस्क्रिप्शन और टाइटल, अपने कीवर्ड्स को टाइप करो, जितने कीवर्ड्स आप लिखोगे आपकी जो प्रोडक्ट होगी वो रैंक होगी। इस तरीके से दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।